नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर येट अनदर वीडियो। आज की वीडियो है मेरे भाई, अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है, पेशेंट जो भी मुझसे क्वेश्चन करते थे कि मैं उसी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपकी एक वीडियो पर 1000 कमेंट पड़े हों, आपके मैसेंजर पर 1000 कमेंट पड़े हों और सभी ने पूछ रखा हो कि जी मेरे पेशाब में खून आ रहा है, मेरे पेशाब में जलन हो रही है, क्या वजह है, क्या कारण है, तो सबको पॉसिबल नहीं होता जवाब देना। लेकिन आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे उन सभी को, तमाम लोगों को जिनकी जिज्ञासा थी, जिनके प्रश्न थे, उनका जवाब उन्हें मिल जाएंगे। प्रश्न था कि भाई पेशाब में खून आ रहा है, क्या करें। देखिए, कारण पहले समझ लीजिए। कारण इसका हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया हो, किसी भी तरह का, चाहे वो यूटीआई इन्फेक्शन हो। यूटीआई इन्फेक्शन क्या होता है, देखिए मूत्राशय हो जहाँ पर मूत्र इकट्ठा रहता है, जिसे यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, या फिर आपका यूरेथ्रा हो जहाँ से बाथरूम बाहर निकलता है, ठीक है, या किडनी में कोई किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, कोई वजह हो गई हो, उस वजह से आपके पेशाब में खून आ सकता है। तो अब इसकी दवाई क्या है, पहली चीज़ मैं परहेज बता दूँ, फिर उसके बाद दवाई बताऊँगा। आपको परहेज में ध्यान रखना कि कोई भी खट्टी चीज़ आपको नहीं लेनी है इस दौरान, जब तक दवाई चलेगी। कोई खट्टी चीज़, कोई फास्ट फूड आपको नहीं लेना है, कोई जंक फूड आपको नहीं लेना है, इतना सा भी नहीं लेना है मेरे भाई, एक चम्मच भी नहीं लेना है। ये नहीं कि जी जरा सा खाया था, मैं पेट थोड़ी भरा था भाई, वो इतना नहीं समझता है ना, जो आपको इन्फेक्शन हो चुका है कि आप जरा सा खा रहे हैं, ज़्यादा खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, वो नहीं समझता इस चीज़ को। उसे तो अगर आप जरा सा भी खाएंगे वो नुकसान करेगा। खट्टी चीज़, चटनी हो, नींबू हो, कड़ी हो, मट्ठा हो, दही हो, वो आपको नहीं लेने हैं। ध्यान रख के परहेज करेंगे जल्दी आराम होगा, नहीं करेंगे तो, अगर कोई बीमारी 3 दिन में ठीक हो रही है तो 6 दिन में जाकर ठीक होगी, वो आपके ऊपर है, परहेज करेंगे जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको छोड़ देनी है। अब दवाई कौन सी लेनी है, अगर आप 16 साल से ऊपर के हैं और आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो दवाई सुन लीजिएगा। एक तो पहले, सबसे पहले क्या करना है, आपको पानी जो लेना है वो 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है दिन में, ये आपको करना है। और जो दवाई है वो सुन लीजिए। पहली दवाई आपको लेनी है मेरे भाई फिनेक प्लस, एक गोली सुबह एक गोली शाम में। दूसरी दवाई जो आपको लेनी है मेरे भाई, वो लेनी है भाई वाइजोलॉन 5 mg, एक गोली सुबह एक गोली शाम में। तीसरी दवाई जो आपको लेनी है भाई, वो लेनी है मेरे भाई पेंटोप DSR, एक कैप्सूल सुबह एक कैप्सूल शाम में। चौथी जो दवाई है वो लेनी है लीकोप 5 mg में, एक गोली सुबह एक गोली शाम में। और पांचवी जो दवाई है वो है मेरे भाई गुडसेफ 200 mg में, गुडसेफ 200 mg में लेनी है सुबह शाम एक एक गोली, ठीक है। तो ये आपकी जो खुराक बनी है, इनमें 5 तरह की गोलियां हो गई हैं। अब इन्हें कितने दिन तक लेना है, कम से भी कम मेरे भाई इसे आपको 4 दिन लेना है। आपका किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, कोई चोट लग गई हो, कोई वजह हो गई हो जिसकी वजह से पेशाब में खून हो रहा हो, क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी पथरी की वजह से भी खून आ जाता है पेशाब में, तो डरने वाली बात नहीं है। जो अगर आप ये दवाई लेंगे जो मैंने आपको बताई है तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आराम जल्दी हो जाएगा, कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई पेन नहीं रहेगा, खून नहीं आएगा, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा। 4 दिन तक आपको दवाई लेनी है, अगर फिर भी 19-20 असर रह जाता है, मान लिया आपने 4 दिन दवाई ली, आराम आपको हो गया लेकिन थोड़ा बहुत असर रह गया, तो 1-2 दिन आप दवाई एक्स्ट्रा खा सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बस 4 दिन ही खानी है मैंने बोला है, तो वो आप अपनी स्वविवेक से काम लीजिएगा। अगर थोड़ा मोटा असर रह गया है तो 1-2 दिन की दवाई फालतू लेकर के आ सकते हैं। 16 साल से जो कम के हैं वो मैसेंजर पर मुझे पूछ सकते हैं उसके बारे में कि दवाई कितनी घटानी है, क्योंकि उनके लिए अलग खुराक बनेगी, मात्रा कम हो जाएगी। तो आप मैसेंजर पर आकर मुझसे पूछ सकते हैं कि कितनी मात्रा उन्हें 16 साल से जो नीचे के उन्हें कितनी मात्रा देनी है दोस्त। तो ये आप अगर दवाई सुबह शाम लेंगे 4-5 दिन तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और दिक्कत खत्म हो जाएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो मेरे मैसेंजर पर आकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।